आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो गई सो टुडे आर क्वेश्चन इज लेट y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स वाई इज ग्रेटर देन जीरो वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन इफ वाई ऑफ पाई इज इक्वल टू ए and dy by dx at x is, equals to pi is b then the ordered pair a, b is equal to, right? so, basically a और b की value find करनी है तो ये ordered pair हमारा निकल आएगा ठीक तो हमारा differential equation क्या है 2 plus साइन x upon y plus 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है माइनस कॉज एक्स के इक्वल है ठीक है तो यहाँ से अगर हम देखें तो x वाले टर्म में एक तरफ y वाले टर्म में एक तरफ लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस वन डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स ये न्यूमेरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा टू प्लस साइन एक्स राइट टू प्लस साइन एक्स डी एक्स ठीक है ना अब ये ऐसा है तो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ठीक है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलेगा ये देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई प्लस टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन टू प्लस एक्स डी एक्स राइट अब ये वाला टर्म तो हमें पता है लॉग वन प्लस वाई देगा क्योंकि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स तो ये हो जाएगा लॉग वाई प्लस इसको सॉल्व करें तो यहाँ से देखो ये क्या कर सकते हैं टू प्लस साइन एक्स को ले लेते हैं टी के इक्वल राइट right? अब ये एक्स का टर्म टी मतलब एक्स जो है वो टी के टर्म में आएगा तो dx भी dt के टर्म पे आएगा तो इसका डिफरेंशिएशन टू का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्व टू डी टी तो यानी कि कॉस एक्स डी एक्स की क्या वैल्यू आ रही है डी टी आ रही है तो यहाँ से ये यह क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस डी एक्स इज डी टी अपन टू प्लस टी इज टी और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी डी टी क्या होता है लॉक टी के इक्वल होता है राइट right? तो यहाँ से वन अपॉन वाई प्लस वन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लॉग वाई प्लस वन इज इक्व माइनस लॉग टी प्लस अगेन क्योंकि हमें x, y के टर्म पे वैल्यू चाहिए तो माइनस लॉग टी के जरिए क्या टू प्लस साइन एक्स प्लस लॉग सी तो यहाँ से ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये माइनस टर्म इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग वाई प्लस वन प्लस लॉग टू प्लस साइन एक्स प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू लॉक सी राइट ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू लॉक सी और हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास होता है कि लॉग एम प्लस लॉग एन है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन के फॉर्म पे तो ये अपना लॉग एम प्लस लॉग एन है इसको हम लॉग एम इंटू एन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो लॉग ऑफ वाई प्लस वन इंटू टू प्लस साइन एक्स ठीक है टू लॉग सी तो दोनों तरफ लॉग है तो लॉग हट जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई प्लस वन इंटू टू प्लस साइन एक्स इज इक्व टू सी तो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस वन ये मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा टू प्लस साइन सी ठीक है ना टू प्लस साइन एक्स ठीक है सी अपॉन टू प्लस साइन एक्स तो यहाँ से वाई क्या हो जाएगा वाई इज इक्व टू सी अपॉन टू प्लस साइन एक्स माइनस वन तो वाई तो ये आ रहा है राइट right? और वाई हमने क्या था कि वाई इज इक्व टू वाई ऑफ एक्स राइट वाई इज ईक्व टू वाई ऑफ एक्स और कंडीशन क्या है कि वाई ऑफ जीरो इज टू वन राइट कंडीशन गिवन क्या है गिवन कंडीशन है वाई ऑफ जीरो इज ऑस टू वन दैट इज x इज एक टू जीरो टू वन तो 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 पे है 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 क्योंकि ये ये को हम y of x लिख सकते हैं ठीक क्या हो जाएगा 1 is c upon 2, 1. तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा वन प्लस वन टू इज इक्व टू सी बाई टू तो c क्या हो जाएगा टू टू या फोर तो c की वैल्यू तो फोर आ गई ठीक है सी अपना फोर आ गया तो अब अपना डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखेगा वाई इज इक्वल्स टू या वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी सी की जगह फोर ठीक है फोर अपॉन फोर अपॉन टू प्लस साइन एक्स माइनस वन ठीक है ये आ गया वाई ऑफ एक्स की वैल्यू तो ये तो अपना फंक्शन आ गया वाई ठीक अब हमसे और क्या कंडीशन बोल रहा है कि

प्लस वन इज इक्वल टू फोर अपॉन साइन बाई जीरो राइट ए की वैल्यू क्या रही आ रही है वन आ रही है यहाँ से चलो अब डी वाई बाई डी एक्स तो वाई ये अपना इक्वेशन है इसको वन ले, ले लेते हैं इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये डी वाई क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है डिफ्रेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी क्वेश्चन रूल लगेगा क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि क्वेश्चन रूल हमसे कहता है कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी का फॉर्म है तो इसको लिखते हैं न्यू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर का डिफरेंशियन माइनस न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ठीक है तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी फोर होल अपॉन में टू प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर राइट ये क्या हो जाएगा होल अपॉन में टू प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर राइट और क्या है डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर का डिफरेंशिएशन फोर का डिफरेंशिएशन जीरो तो का जीरो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स राइट तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा अपना ये आ जाएगा माइनस फोर कॉज एक्स होल अपॉन में टू प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और कंडीशन हमारी क्या है कि एट 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 पे b है. X पे है है ठीक तो यहां से ये वैल्यू क्या गई? ये b आ गई तो जाएगी बी इज इक्वल टू कॉस पाई की वैल्यू होती माइनस वन तो माइनस फोर इंटू माइनस वन अपॉन 2 sin π 0 का होल स्क्वायर दैट इज 4 2 2 4 तो b क्या आ गया 1 तो यहाँ से b क्या आ जाएगा b की वैल्यू भी आ जाएगी 1 के इक्वल ठीक है यहाँ से b भी अपना क्या आ गया 1 आ गया a और b दोनों की वैल्यू आ गई अब हमारे क्या चाहिए हमें ऑर्डर्ड पेयर ab चाहिए तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी क्या होगा ए इज वन एंड बी इज ऑल्सो वन तो पेयर क्या आ आ जाएगा 1, 1 का जाएगा टाइप का तो अपना ऑप्शन मैच कराते हैं 1, 1. तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच करा है ऑप्शन थर्ड मैच करा ऑप्शन थर्ड होगा ठीक है करेक्ट ठीक थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर